गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने कल 29 तारीख को हरियाणा पुलिस के जितने भी क्वेश्चन किए थे, उसके बाद आगे क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में करेंगे। आज हम कंप्लीट जो है हरियाणा पुलिस के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, वो सारे हम कोशिश करेंगे कवर करने की। और अब स्टार्ट होने वाली है वीडियो, बस कुछ ही सेकंड में। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, जो वीडियो को देख रहे हैं बाद में भी रिकॉर्डिंग होने के बाद, तो आपको ये वीडियो जो मैं दे रहा हूं ये लेटेस्ट है, अभी की कोई पुरानी नहीं है। और जो एग्जाम है अभी आपके अगस्त में, उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखें। तो हरियाणा पुलिस का डिपार्टमेंट, हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम है 7 और 8 तारीख को, कल गलती से 6 और 7 बोला गया था उस वीडियो में, तो 7 और 8 तारीख को एग्जाम है। तो उसके लिए जो है ये स्पेशल क्वेश्चन है जो कि बार चेंज किया गया हरियाणा पुलिस के बारे में, तो हम शुरू कर रहे हैं अभी ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर। तो आइए शुरू करते हैं हमारा। तो पुलिस कमिश्नर, यहाँ पर पहुंच चुके थे हम, पुलिस कमिश्नर कौन होता है? और ये वीडियो आपको दो जगह मिल सकती है, टीचमेंट ऐप पर रिकॉर्डिंग, और इसके साथ साथ आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर भी मिल जाएगी आपको ये, श्री कृष्णा अकेडमी के चैनल पर। एचएसएससी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसी में मिल जाएगी ये आपको। ये फ्रीली है सब कुछ, कोई चार्ज नहीं, आराम से देखें, तैयारी करें अच्छी और टेस्ट को क्लियर करें, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो शुरू करते हैं। तो पुलिस कमिश्नर कौन होता है ये पूछा गया है, तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन निकाले जाएंगे। तो कमिश्नर पोस्ट जो है स्टेट लेवल पर नहीं होती, ये ध्यान रखें। या यह जो है कमिश्नर जो एक लेवल होता है, मतलब कि जो मेन मेन शहर हैं, सिटीज हैं इंडिया के अंदर, उनके लिए कमिश्नर जो है नियुक्त किया जाता है, ये बात ध्यान रखें आप। ये स्टेट लेवल की नहीं है पुलिस कमिश्नर की। तो जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और भी बहुत सारी मेन सिटीज हैं, इनके लिए पुलिस कमिश्नर जो है नियुक्त किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक आयुक्त या कमिश्नरेट जो के पास खुद का पुलिस बल होता है, अपनी खुद की पुलिस फोर्स होती है, एक तरह से समझ लीजिए आप। तो जिसका नेतृत्व एक कमिश्नर सर्विस आईपीएस ऑफिसर होता है, वो भी कि पुलिस। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि किस रैंक पे आएगा ये, क्योंकि हमने कल जो है सारे रैंक पढ़े थे A to Z, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो रैंक के बाद ही ये पोस्ट आई है पुलिस कमिश्नर की। तो आपसे पूछा जाए किस रैंक का है, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वो DGP, ADG, IG, DIGP के रैंक के अधिकारी होते हैं, ठीक है, इनके बराबर होता है ये। कौन होता है? पुलिस कमिश्नर। और ये स्टेट के लिए नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। ये स्टेट के लिए होते हैं, जो बाकी जो पोस्ट हमने पहले पढ़ी है, या उस शहर या जिले के साइज और पॉपुलेशन पर निर्भर करता है। उसके बाद अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में DGP रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। यानी कि DGP रैंक का अधिकारी जो होता है ना, उसको पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है मेन शहरों में, डिपेंड करेगा पॉपुलेशन पे और साइज पे। उसके बाद मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, सूरत आदि में एडिशनल DGP रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तो ये भी अलग अलग शहरों की कंडीशन अलग अलग है भाई, इसमें DGP के रैंक के अधिकारी को लिया जाएगा, इसमें ADGP के रैंक के अधिकारी को लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुड़गांव, पुणे, कोयम्बटूर, ठाणे, हावड़ा, मदुरई, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम, कोची, ये पूरे पूरे देश के अलग अलग शहर हैं मेन मेन, ठीक है। यहाँ पे IG रैंक के अधिकारी को कमिश्नर जो है, कमिश्नर ऑफ पुलिस निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ये पहचान, देखो डिफरेंस भी है, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जो ये पुलिस कमिश्नर वाला आया है, ADGP, DGP और IG, अलग अलग शहरों के नाम दिए गए हैं, थोड़ा सा इनको एक दो बार रिवाइज करें अच्छी तरह से। उसके बाद वही विधाननगर जैसे शहरों में DIG रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद भाई कमिश्नरेट पुलिस रैंक्स टॉप टू बॉटम, तो कमिश्नरेट के अंदर जो पुलिस रैंक है वो भी हैं, रैंक दे रखे हैं टॉप से बॉटम तक, सबसे ऊपर ले से लेकर नीचे तक, ठीक है। तो पहला है कमिश्नर ऑफ पुलिस CP, तो CP जो है इसमें जो है DGP, ADGP, IG, DIGP रैंक के अधिकारी हो सकते हैं, ठीक है। पर अधिकतर जगह पर देखा गया है कि पुलिस कमिश्नर DGP और ADGP स्तर के अधिकारियों को ही बनाया जाता है। तो सबसे ज्यादा किसको बनाया जाता है? ADGP और DGP। IG और DIGP को तो बहुत कम,
ऐसा इसका मतलब है ये नहीं बन नहीं सकते लेकिन कम, ठीक है। उसके बाद सीपी, डीजीपी और एडीजीपी का रैंक प्रतीक चिन्ह समान होता है, आपने चिन्ह कल देखे थे सारे, ठीक है। क्रॉस में तलवारें भी थी और स्टार भी थे और खाली पट्टियां भी थी, ठीक है ना। उनको एक बार और ध्यान से देखना उस वीडियो को अगर नहीं देखा आपने पार्ट फर्स्ट इसका, ये हम पार्ट फर्स्ट सेकंड बना रहे हैं आज, इसमें कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उसके बाद जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि जेसीपी बोल देते हैं इसको, जॉइंट सीपी बोल देते हैं। तो ये होता है हमारा आईजी रैंक के अधिकारियों को बनाया जाता है। तो पीछे जो छोड़ दिए थे हमने उनके अधिकारियों क्या बनाया जाएगा, जॉइंट सीपी, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। उसके बाद जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड आईजी का रैंक प्रतीक चिन्ह एक समान होता है, ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है। उसके बाद देखो डाटा बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है एक बार पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए बार बार पढ़ें। दो ही वीडियो है हरियाणा पुलिस से रिलेटेड, ज्यादा नहीं है, कल 1 घंटे की होगी थी, आज देखते हैं कम से कम टाइम में इसको कवर करेंगे। तो आपने बार बार इनको सुनना है, आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन की बात है, कोई कम बात नहीं है ये, ठीक है। तो आपको बहुत मदद मिलेगी एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा। जिन बच्चों का मैथ वीक है या मैथ में जिनको दिक्कत आती है, बाकी जो भी सब्जेक्ट है वो इनको बार बार पढ़े ताकि आपको प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जो ये पोस्ट है, ये कहता है सीपी डीआईजी रैंक के अधिकारियों को बनाया जाता है। देखिए ये यहाँ पे आप पजल होने की थोड़ी सी कंडीशन है, तो इसको ध्यान से बार बार पढ़ें, यही हो सकता है बस। इसके बेस पर कुछ आप मॉक टेस्ट लेंगे फिर ये 2 वीडियो आने के बाद, ताकि आपको पता चले कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो भी एक बार इनको ध्यान से पढ़ते रहें। उसके बाद है एडिशनल सीपी और डीआईजी का रैंक प्रतीक चिन्ह एक समान होता है, ये भी ध्यान रखें, साथ साथ बातें बता रहे हैं आपको ये प्रतीक चिन्ह के बारे में, ठीक है। उसके बाद डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी, तो डीसीपी जो है एसएसपी और एसपी रैंक के अधिकारी को बनाया जाता है, ठीक है ना। एसपी, एसपी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, हमने पढ़ा था जब वो रैंक पढ़े थे हमने ऊपर, तो डीसीपी एसएसपी और एसपी का रैंक प्रतीक चिन्ह एक जैसा होता है भाई। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी, एसीपी डीएसपी रैंक के अधिकारियों को ही बनाया जाता है। देखो वहां से ही निकले हैं जो पहले हमने पढ़े थे, कहीं आप सोचो कुछ नया आया है, ठीक है, तो वहीं से निकले हैं, ध्यान से पढ़ना है इनको। तो उसके बाद है एसीपी और डीएसपी का रैंक प्रतीक चिन्ह एक समान होता है, एसीपी और डीएसपी का जो रैंक चिन्ह है एक समान होता है, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद आगे जो है उसके बाद इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, हेड कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, कांस्टेबल, तो ये वही पोस्ट है, दोबारा रिवाइज हो गई है आपकी, तो दोबारा आपको पता चल गया होगा एक बार और। उसके बाद कमिश्नर और डीजीपी के बीच क्या अंतर होता है, तो पुलिस कमिश्नर और डीजीपी का रैंक प्रतीक चिन्ह एक समान ही होता है, जिसमें कि राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम के साथ, अब उसको क्या बोला जाता है राष्ट्रीय प्रतीक को, ये भी याद रखने ऑप्शन में आ सकता है, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय प्रतीक को क्या बोलेंगे हम, नेशनल एम्बलम। देखो आपका पेपर जो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आएगा, तो इसलिए पहचान करने में आसानी रहेगी आपको, नेशनल एम्बलम ये इसको बोला जाता है, के साथ में क्रोस्ट तलवार और डंडा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्या होता है वहां पे क्रोस्ट तलवार और एक डंडा, एक तलवार होती है एक डंडा होता है उसमें, ठीक है।
एक तो डीजीपी और एक कमिश्नर के बीच में डिफरेंस पूछा था। तो जो राज्य पुलिस बल है पूरे स्टेट की, उसका प्रमुख होगा डीजीपी, लेकिन पुलिस कमिश्नर वो होगा जिला पुलिस, सिर्फ जिले की पुलिस का, ठीक है ना। तो उसके बाद है उदाहरण के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर, तो डीजीपी और जो पुलिस कमिश्नर उनके बीच में आपको पता चल गया डिफरेंस। अब एक एग्जांपल देंगे आपको, मुंबई पुलिस कमिश्नर, तो मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। केवल मुंबई जिले का प्रमुख होता है, लेकिन महाराष्ट्र का जो डीजीपी है वो पूरे महाराष्ट्र राज्य के पुलिस फोर्स का प्रमुख है। भाई ये पता चल ही गया होगा, एक तो जिले का है, ठीक है, और एक पूरे राज्य का है, ठीक है ना। किसका प्रमुख है? पुलिस फोर्स का। तो डीजीपी का कंट्रोल क्या है? पूरे राज्य पे होगा, और कमिश्नर का सिर्फ उस जिले पर, ठीक है ना। उसके बाद भाई नेक्स्ट, पुलिस कमिश्नर जिले के आकार के आधार पर डीआईजी से लेकर डीजीपी तक विभिन्न रैंकों से एक अधिकारी हो सकता है, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद एक राज्य के अंदर एक से ज्यादा पुलिस कमिश्नर हो सकते हैं, लेकिन डीजीपी जो है एक ही होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बता रहा हूं मैं। उसके बाद एसपी और एसएसपी में से सीनियर कौन है भाई? तो ये आपने पहले पढ़ लिए हैं देखो, ठीक है। तो एसपी का की फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसमें साथ के साथ फुल फॉर्म भी आ रही है, ध्यान रखें बात आप। और एसएसपी का मतलब सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो सीनियर लग गया। सीनियर वैसे बड़ा होता है, जूनियर छोटा होता है, तो सीनियर लग गया तो सीनियर बड़ा ही होगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखें आप, जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है एसएसपी एसपी का सीनियर होता है, ठीक है, यानी कि सीनियर जिसके आगे लग गया वो क्या है? बड़ा है। तो एसपी नीचे होता है, एसएसपी ऊपर होता है। उसके बाद एएसपी डीएसपी में, तो एएसपी असिस्टेंट होता है और डीएसपी जो है डिप्टी होता है, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। असिस्टेंट की जो रैंक है ना, ध्यान रखना आप, असिस्टेंट की रैंक मोस्टली जो आपको छोटी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए एएसपी जो है रैंक के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस से आते हैं, वहीं डीएसपी जो है वो स्टेट पुलिस ऑफिसर होते हैं। तो एएसपी डीएसपी दोनों 3 स्टार पहनते हैं और समकक्ष लगभग एक जैसे पदों पर तैनात किए जा सकते हैं। फिर भी इसके बाद एएसपी डीएसपी का सीनियर होता है, यहाँ भाई जो बात है मेन हमारी, एएसपी सीनियर होता है, लेकिन मोस्टली जो असिस्टेंट माना जाता है ना किसी का, तो उसके नीचे काम करता है वो, लेकिन एएसपी डीएसपी इक्वल है। लेकिन वहां ऊपर वाला जो डिफरेंस पड़ा था हमने डीजीपी के बीच में और कमिश्नर के बीच में, वो जरूर रखें आप याद। यहाँ पे एएसपी डीएसपी के बीच का आ गया है, तो एएसपी ए पहले आता है अल्फाबेट में, डी बाद में आता है, तो ए बड़ा हो गया। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पहचान याद रखना आप, ठीक है, ये बड़ा होता है एएसपी डीएसपी का। उसके बाद और जो पोस्ट होती है ना लगभग मोस्टली इक्वली होती है, इनकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद एसएचओ कौन होता है? तो एसएचओ भाई वैसे तो ब्लॉक वाइज होता है, अपना जो हमारा ब्लॉक होता है उस ब्लॉक के अंदर एसएचओ मिलेगा आपको। तो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है इसकी फुल फॉर्म। इसकी रैंक जो है वो क्या होती है? तो ये एक थाने का प्रभारी अधिकारी होता है, जिसको अंग्रेजी में आप ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कह सकते हैं। देखो ये फुल फॉर्म आ सकती है, दो आ सकती है, दो तरीके से। ऑप्शन में आपको स्टेशन हाउस ऑफिसर मिलेगा, या तो या आपको ये बोल सकता है कि एसएचओ को हम क्या कह सकते हैं, एक और नाम है उसका, तो ये क्या बोलेंगे? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि वो ऑफिसर जिसके हाथ में पुलिस स्टेशन का क्या रहेगा? चार्ज रहेगा, ठीक है ना, प्रभारी रहेगा उसका, हिंदी में ही बात है। उसके बाद स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी हो सकता है, इंस्पेक्टर की रैंक का या सब इंस्पेक्टर की एसआई की रैंक का हो सकता है, यह निर्भर करता।
डिसाइड किए जाते हैं। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कम है तो फिर उसके बाद हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर थाना किसी बड़े या ज्यादा जनसंख्या, ठीक है ना, तो आगे है आपका, तो आपको पता चल गया जनसंख्या के आधार पर जो है क्या इंस्पेक्टर को या सब इंस्पेक्टर को तैनात किया जाएगा। तो इंस्पेक्टर बड़ा होता है, सब इंस्पेक्टर छोटा होता है। तो कम जनसंख्या वाले पे सब इंस्पेक्टर को बनाया जाएगा और ज्यादा जनसंख्या वाले पे इंस्पेक्टर को। उसके बाद सीआरपीसी सेक्शन 2.0 जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन के बारे में है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन यानी कि एसएचओ के बारे में कौन सा जो है सीआरपीसी हमारी, ठीक है। तो ये है हमारी, ये ध्यान रखें आप, जब थाने का प्रभारी अधिकारी किसी कारणवश पुलिस थाने में उपस्थित नहीं तो उस परिस्थिति में स्टेशन में मौजूद अधिकारी जो कि ओहदे में सबसे वरिष्ठ यानी कि एसएचओ के बाद का, जैसे एसएचओ नहीं हो अगर मान लीजिए थाने में और कुछ काम आ जाए ऐसा, तो एसएचओ के तुरंत बाद नीचे जो पोस्ट पे अधिकारी होता है उसको जो है प्रभारी बनाया जाएगा थाने का, ठीक है ना, ऑफिसर इंचार्ज बनाया जाएगा, इंचार्ज ये बोलते हैं हम इसको। उसके बाद यहां पर बात आती है जो मेन, यहां पर तो मतलब यहाँ कहने का ये है कि एसएचओ ऑब्सेंट हो तो उसके पीछे इंचार्ज किसको मिलेगा स्टेशन का, तो ये किसी, देखो कॉन्स्टेबल से तो ऊपर होगा और एसएचओ से नीचे होगा, ठीक है। तो कॉन्स्टेबल से ऊपर हेड कॉन्स्टेबल भी होता है, ठीक है, और इंस्पेक्टर भी होता है भाई, और सब इंस्पेक्टर भी होता है। इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर में तो एसएचओ ही आ गई, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं आगे, कुछ फुल फॉर्म है हमारी डीएम, तो डीएम की जो फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी बोलते हैं इसको, हर डिस्ट्रिक्ट के पास होता है। एसडीएम, अभी पीछे एसएचओ था, सब एसएचओ क्या था, ऑफिसर इंचार्ज इसका पुलिस स्टेशन का, ठीक है। तो ये एसडीएम होता है, ये अलग है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, उप प्रभागीय न्यायाधीश। ये डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर बोलते हैं इसको, जिले का कलेक्टर होता है पूरे का। उसका डीएसपी होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उप पुलिस अधीक्षक, डीजीपी अलग था, ठीक है, ये डीएसपी है। एसडी होता है सब डिविजनल ऑफिसर, उपमंडल अधिकारी, ये सारी फुल फॉर्म भी मैं आप में इसको साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। और कुछ एग्जाम चल रहे हैं अभी हरियाणा पुलिस से रिलेटेड अलग भी हैं, उनमें भी बहुत सारे एग्जाम में मैंने एक दो क्वेश्चन देखे हैं इसमें से, तो वो सभी कर लें अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक विकास अधिकारी होता है, ये सारे नाम आपने सुने होंगे कभी कभी। एसडीओ होता है, बीडीओ जो हमारा कई बार स्कूलों में आ जाता था चेकिंग करने के लिए, ठीक है ना, आपने सुना भी होगा, ठीक है, कि बीडीओ आ गया भाई चेकिंग के लिए स्कूलों में, तो वो आता है ये।
डीएसपी पे पास पे बहुत ही कम काम पड़ता है वैसे तो, लेकिन अच्छी पोस्ट है ये हमारी, ठीक है, बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। बहुत बार आप जाते हो तहसील वगैरह में या जो भी आपके आसपास ऑफिस हैं इनके, तो वहां पे आपको मिलेंगे सारी जानकारी, तो ध्यान से देखोगे अगर आप तो पता चल जाएगा। उसके बाद डीएम और एसडीएम में क्या अंतर होता है, अब डिफरेंस भी आ गया। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वैसे तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या अंतर है, लेकिन क्वेश्चन जरूर निकलेगा यहाँ से। तो डीएम में और एसडीएम में क्या डिफरेंस है, वैसे तो फुल फॉर्म आपने पढ़ ली थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और एसडीएम की क्या थी, एसडीएम की थी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। तो उसके बाद है जो कहता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना, ये पूरे जिले का मुख्य अधिकारी होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का, उसके काम को देखता है। लेकिन जो एसडीएम होता है, ये उसके जिले के अंदर जितने भी पार्ट होंगे, जितने ब्लॉक होंगे, वो उन पे नजर रखेगा। तो जिले के अंदर जितने ब्लॉक होंगे, उन ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग जो है एसडीएम काम करेगा, और पूरे जिले पर डीएम काम करेगा, ठीक है। उसके बाद डीएम पद एसडीएम पद से बड़ा होता है, तो ये क्लियर सी बात दिख रही है, छोटा है उससे नीचा है। और उसके बाद डीएम का वेतन वेतन भी एसडीएम से ज्यादा होता है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आगे है तो डीएम एसडीएम में डिफरेंस आपको पता चल गया। एक तो क्या करेगा, कंट्रोल पूरे जिले को, और एक जिले के अंदर के जो ब्लॉक हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है एसडीएम जो है डायरेक्ट एग्जाम होता है, और डीएम बनने के लिए आपको आईएएस या एसडीएम पद पर कार्य करना पड़ता है। यानी कि एसडीएम पद पर अगर आप जैसे आपने क्लियर किया टेस्ट, एसडीएम पर लग गए आप, तो आपकी को मतलब क्या बोलते हैं उसको, पदोन्नति, यानी कि प्रमोशन प्रमोशन मिलेगा। तो आप एसडीएम के पद पर कार्यरत रहकर कुछ टाइम के बाद जो है डीएम के लिए जो है नियुक्त किए जा सकते हो। लेकिन डायरेक्टली डीएम बनने के लिए आपको आईएएस होना जरूरी है, आईएएस की परीक्षा पास करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आईएएस आईपीएस दोनों परीक्षाएं हमारी, और बहुत बड़े लेवल की परीक्षाएं हैं ये, बहुत सारे बच्चे तैयारी भी करते हैं इनकी, तो जो कर रहे होंगे शायद उनको पता भी होगा। उसके बाद एसडीओ और एसडीएम में क्या अंतर है, तो एसडीओ एसडीएम आपने पढ़ा था अभी, एसडीएम तो पिछले गया है अभी अभी, ठीक है, और एसडीओ उसके साथ की पोस्ट है। तो देखिए एसडीओ क्या था हमारा, सब डिविजन ऑफिसर, और ये सब डिविजन मजिस्ट्रेट था। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है देखिए, तो एसडीओ को उपमंडल अधिकारी और एसडीएम को उपप्रभागीय न्यायाधीश कहा जाता है, ये अधिकारी है ये न्यायाधीश है, ठीक है। तो एसडीओ सिर्फ अपने विभाग के सभी अधिकारियों से बड़ा अधिकारी होता है,
यानी कि उसके डिपार्टमेंट में जो जो भी अधिकारी होंगे सबसे बड़ा एसडीओ होगा उनके डिपार्टमेंट में। लेकिन एसडीएम जो है अपने जिले के जो उपखंड होते हैं ना, मतलब जैसे ब्लॉक, तो उनका अधिकारी होता है पूरे ब्लॉक का। ठीक है, तो एसडीएम एक जिले में एक एक ही होता है, और जबकि एसडीओ एक जिले में एक से ज्यादा होते हैं। तो एसडीओ ज्यादा होते हैं, एसडीएम एक ही होता है एक जिले के अंदर, याद रखें इस बात को आप। ठीक है, हाँ। तो उसके बाद एसडीएम अपने विभाग के कामों में दखल दे सकता है। एसडीएम जो है अपना, उसका जो डिपार्टमेंट है उसके कामों में दखल दे सकता है, जबकि ये गड़बड़ होगी भाई, एसडीओ दे सकता है। एसडीएम जिले के सभी सरकारी विभागों काम को देखता है, यानी कि देखो यहाँ पे गलत है, ये एसडीओ आएगा यहाँ पे, ठीक है, मिसप्रिंट है। तो एसडीओ जो है अपने विभाग, क्योंकि वो पूरे विभाग का क्या होता है, मेन हेड होता है, तो अपने डिपार्टमेंट के सभी काम को देख सकता है वो। लेकिन एसडीएम जो है वो जिले के सभी सरकारी विभाग के काम को देखता है, ये बात ध्यान रखें आप। ठीक है, ये मिस्टेक है भाई, इसको आप ध्यान रखें, कहीं आप इसको ऐसे ही पढ़ लो, यहाँ एसडीओ है, ये एसडीएम है। उसके बाद डीसी और डीएम में क्या अंतर है? डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो दोनों ही आईएएस के उस पद हैं भाई, लेकिन काम अलग अलग है। डीसी जो है जमीन और भूमि से जुड़े हुए कार्य, विभिन्न करों, टैक्स, यानी कि कृषि क्षेत्र को संभालना, जबकि डीएम डीएम वो कानून को संभालेगा, मजिस्ट्रेट हो गया ना, तो वो कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस और जेलों का पर्यवेक्षण जैसे कार्यों का क्षेत्र करता है। ये भूमिका मोस्टली जमीन से जुड़ा हुआ है और ये कानूनों से, ये ध्यान रखना, आपने पहचान रखना कुछ ऐसी। ठीक है, डीसी डीसी लग रहा है भाई, तू कहते अगर ना डीसी लग रहा है भाई, तुम्हें इतना ज्यादा साफ बना, तो जमीन के ऊपर ज्यादा वो होता है इनका। ठीक है, इनका कार्य जो है जमीन के ऊपर है ज्यादा, और इनका कानून व्यवस्था के ऊपर है। उसके बाद एसडीएम और तहसीलदार में क्या अंतर है? तो तहसील के अंदर तहसीलदार बैठता है, जब आप डॉक्यूमेंट आपने बनवाए होंगे, चाहे वो आपका वो हरियाणा डोमिसाइल हो या फिर ओबीसी या जो भी सर्टिफिकेट आपने बनवाया होगा, तो तहसीलदार के साइन आपने करवाए होंगे, और एसडीएम के साइन भी होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स पे, तो आपको पता होगा कहाँ बैठता है तहसीलदार, तो उसके बारे में जानकारी लें अब। तो एसडीएम जो होता है वो उपखंडों के काम की देख रेख, कानून व्यवस्था वो देखता है। उपखंड मतलब खंड का पार्ट, ठीक है, ब्लॉक के अंदर जो पार्ट, ठीक है, जो तहसील होती है, जबकि तहसीलदार, सॉरी तहसील नहीं होती, वो उपखंडों की बात की गई सिर्फ, जबकि तहसीलदार तहसील के क्षेत्रों में जो कार्य होते हैं, यानी कि तहसील के अंदर जो काम होगा तहसीलदार देखेगा भाई, और उसके बाहर जो है वो बाकी जो कानून व्यवस्था है सारी कंप्लीट वो एसडीएम देखेगा। ठीक है, उसके बाद तहसील के अधिकारियों में से उच्च अधिकारी तहसीलदार होता है, यानी कि तहसील के अंदर जितने अधिकारी काम करते हैं उनमें सबसे उच्च कौन होता है? तहसीलदार होता है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद वन लीनियर हरियाणा पुलिस विभाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन है भाई, एक एक लाइन के क्वेश्चन आएंगे। अब हमारे मेन जो थ्योरी में से क्वेश्चन बनने वाले पोर्शन था वो हमारा कर हो चुका है, 60 पेज लगभग हो चुके हैं और 20 पेज और रह गए हमारे, अब जल्दी कर देंगे इसको भी कवर। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पुलिस की फुल फॉर्म सबसे पहले पढ़ी थी हमने, दोबारा रिपीट हो गई है, ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट, नागरिक प्रतिष्ठान में जीवन की सुरक्षा। अगर ये भी नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, आपने अगर नौकरी लेनी है पुलिस की। उसके बाद हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना था भाई। ठीक है, उसके बाद हरियाणा पुलिस 2007 से पहले कौन से एक्ट से काम करती थी? तो पंजाब पुलिस से करती थी। ठीक है, 1934 पीपीए इसको बोला जाता है, हरियाणा पुलिस एक्ट कब आया? 2007 में, इससे पहले चलता था पीपीए पे। ठीक है, उसके बाद हरियाणा पुलिस अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2008 में नया पुलिस कानून जो है लागू किया गया है। उसके बाद भारत पुलिस किस अधिनियम के तहत काम करती है? भाई भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत काम करती है, ये भारत पुलिस का भी आ गया क्वेश्चन। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने कब पुलिस शासन की रूपरेखा तैयार की थी? जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, जो थ्योरी पढ़ी थी, उसमें से क्वेश्चन निकले हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़े इनको। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने जो रखी थी उसकी रेखा 1781 में रखी थी। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कार्नवालिस ने पुलिस क्षेत्र यानी कि पुलिस थानों में दरोगा नामक अधिकारी नियुक्त कब किया था? भाई 1793 में किया था, 1793। ठीक है, उसके बाद ये सब अंग्रेजों के टाइम की बात है। उसके बाद किसे पुलिस का जन्मदाता कहा जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को पुलिस का जन्मदाता कहा जाता है। तो पुलिस शब्द कौन सी भाषा का? फ्रेंच भाषा का है, ये भी मैंने पढ़ा था उसमें। पुलिस शब्द मतलब क्या होता है? आरक्षक या आरक्षी, देश में अंदरूनी आंतरिक सुरक्षा के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। अब अंग्रेज तो अपने फायदे के लिए करते थे, ठीक है, तो आज भी जो है पुलिस है, अब आपको भी पता है मुझे पता है क्या करती है क्या नहीं करती। ठीक है, उसके बाद भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है भारतीय सिविल सेवा का जनक। उसके बाद पंजाब पुलिस एक्ट पीपीए जो हमने पढ़ा था अभी पीछे, 1934 में कहाँ कहाँ लागू हुआ था? तो ये हुआ था भाई हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर। कितनी स्टेट होगी, कितनी जगह होगी, सॉरी स्टेट नहीं है सारी, 1 2 3 4 5, 5 में। ठीक है ना, 1934
में पीपीए लागू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे अपना अपना बनता गया इनका। उसके बाद हरियाणा पुलिस हेडक्वार्टर जो है कहाँ है, सेक्टर 6 में, पंचकुला में। तो आपको मैंने बता रखा कि पंचकुला में मोस्टली सारे हेडक्वार्टर हैं, लेकिन सेक्टर भी आ सकता है कई बार, ठीक है? तो सेक्टर ध्यान रखें, सेक्टर 6। उसके बाद 1966 से पहले हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ होता था, 66 से पहले हेडक्वार्टर जो चंडीगढ़ में होता था, सिविल सचिवालय के अंदर, ठीक है? उसके बाद हरियाणा पुलिस का स्लोगन मोटो क्या है, सेवा सुरक्षा सहयोग, SSS, ठीक है? सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस का लोगो वही HP या हापू है, हरियाणा पुलिस, ठीक है? ये भी ध्यान रखें, जब भी आप पुलिस वालों को आपको देखते होगे तो उनकी ड्रेस पे लगा हुआ मिलता है, तो आपको याद रह जाएगा ये तो। उसके बाद हरियाणा के नए DGP भाई शत्रुजीत कपूर बने, ठीक है? बनेंगे 1 तारीख से, 31 तारीख को कार्यकाल समाप्त होने वाला है हमारे जो पिछले DGP हैं, ठीक है? उसके बाद आगे जो है 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं ये। शत्रुजीत कपूर से पहले जो हरियाणा DGP कौन थे, मनोज यादव थे 1988 बैच के, और IPS अधिकारी थे ये भी। 31 जुलाई तक इनका कार्यकाल रहेगा, ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद ये IB में चले जाएंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। हरियाणा के पहले DGP कौन थे भाई, SK पुरी थे, ठीक है ना? उसके बाद हरियाणा के पहले DGP SK पुरी का कार्यकाल जो था वो 1 नवंबर 1966 से 21 नवंबर 1975 तक था भाई, सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है इनका, याद रखें बात ये। उसके बाद हरियाणा में किस DGP का कार्यकाल सबसे लंबा, तो SK पुरी का ही है। ये क्वेश्चन है सारे हरियाणा के जो एग्जाम में पूछे गए हैं घुमा फिरा के, पहले थ्योरी मैंने करवाई थी फर्स्ट पार्ट में, अब क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपका डबल रिविजन हो रहा है, ठीक है? कोई नई चीज नहीं पढ़ोगे आप ज्यादा, बहुत कम ही नॉलेज है, ज्यादा नहीं है। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं, 20 से 30 क्वेश्चन आप आसानी से जो है अटेम्प्ट कर पाओगे इसमें से। IPS की फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा। DGP की फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। और किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस बल का मुखिया कौन होता है, DGP कौन होता है, DGP होता है। उसके बाद 2021 में हरियाणा पुलिस कर्मचारी की कुल संख्या कितनी है, तो लगभग पुलिस कर्मचारी की संख्या जो है 76,748 है, ठीक है? और ये आपने ध्यान रखनी है इस बात को, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा पुलिस में कुल कर्मचारी की संख्या कितनी थी, 12,165। मैंने पहले बताया था लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ी है, बढ़ोतरी हुई है। 76,748 पुलिस कर्मचारी हैं 2021, ठीक है? और 1 नवंबर 1966 को कितने थे जब हरियाणा बना था, पुलिस फोर्स, पुलिस हरियाणा पुलिस की स्थापना मानी जाती है, तो 12,165, ठीक है, 12,165। उसके बाद हरियाणा पुलिस प्रशासन किसके अंदर काम करती है, ये करती है होम मिनिस्टर के अंदर, और होम मिनिस्टर कौन है, अनिल विज। उसके बाद हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं, उनमें कितने पुलिस स्टेशन है, तो 3 कमिश्नरी हैं, 70 पुलिस स्टेशन है भाई, ये भी हमने पढ़ा था फर्स्ट में। गुरुग्राम कमीशन 36 सबसे अधिक पुलिस स्टेशन इसके अंदर आते हैं। उसके बाद फरीदाबाद है, उसके बाद पंचकुला है, तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा, पंचकुला में सबसे कम, ठीक है, पुलिस स्टेशन आते हैं इनके अंदर। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है, तो 5 रेंज है भाई, और 224 पुलिस स्टेशन है टोटल। बार बार बातें आ रही है कुछ, कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं, रेंज कितनी है, कमिश्नरी कितनी है, ठीक है ना? तो 5 रेंज है, अलग अलग 5 रेंज आ जाएंगी हमारी। अभी अम्बाला रेंज है, हिसार, करनाल, और उसके बाद रोहतक, साउथ रेंज है। सबसे ज्यादा किसमें है, रोहतक पुलिस रेंज में सबसे अधिक है भाई पुलिस स्टेशन इसके अंदर। कमिश्नरी अलग है, पुलिस रेंज अलग है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उसके बाद पांचों पुलिस रेंज में 224 पुलिस स्टेशन है, पांचों पुलिस रेंज में 224 पुलिस स्टेशन है भाई, ठीक है? उसके बाद हिसार पुलिस रेंज में कितने जिले आते हैं, तो 4 जिले और एक पुलिस जिला हांसी आता है, वो पुलिस जिला है पूरा खाली, ठीक है, ये ध्यान रखें बात। तो हिसार, फतेहाबाद, जींद, सिरसा, हांसी, 5 हो गए टोटल। उसके बाद रोहतक रेंज में कितने जिले आते हैं, तो 5, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी, दादरी, भिवानी। अगर आप लोग हरियाणा का एरिया भी जानते हो ना, तो आसपास के एरिया के राज्य का ध्यान रखना, मैप को अच्छी तरह से देखें जरूर, हरियाणा का मैप आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैप में आप अगर देख लोगे कहाँ कहाँ कौन सी स्टेट है, कौन सा किसके साइड में, स्टेट नहीं सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको आइडिया लग जाएगा बहुत सारे क्वेश्चनों का। ये सोनीपत के या ये रोहतक के साइड में जो जाना, ये रोहतक के साइड में सोनीपत है, झज्जर है, चरखी, दादरी, भिवानी, उसके आसपास की हैं ये, तो उसके अंडर में आते हैं। उसके बाद अम्बाला रेंज में कितने जिले आते हैं, तो अम्बाला में यमुनानगर और कुरुक्षेत्र आते हैं। तो ये भी मैप में आप देखोगे ना इनको, क्वेश्चनों को पढ़ते पढ़ते, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो मैप
अगर आपके पास नहीं है तो नेट से निकलवा लें एक पेज अपना, या फोन में निकाल लें और फिर देखें, आप पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये समझने की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप ऐसे बार बार पढ़ते रहोगे तो कम समझ में आएंगे, लेकिन मैप पे जब देखते हो ना आपकी ये नजदीक के हैं, और इसमें आपको और भी कई क्वेश्चनों के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, मैप देखना बहुत जरूरी होता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए जहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। उसके बाद करनाल पुलिस रेंज में कितने जिले आते हैं, तीन आते हैं भाई, करनाल, पानीपत और कैथल। ठीक है, साउथ पुलिस रेंज में कितने जिले आते हैं, चार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मुख्यालय रेवाड़ी में इनका सभी का, और रेवाड़ी में सबसे बड़ा जो है जंक्शन भी है रेलवे का, इस बात का भी ध्यान रखें। क्वेश्चन है ये भी, एक आ सकता है आप पे हरियाणा के बारे में, रेवाड़ी में जो है जंक्शन भी है, सबसे बड़ा जंक्शन है रेवाड़ी के अंदर। तो महेंद्रगढ़, पलवल, नू, ये चार आते हैं। ठीक है, साउथ रेंज में बोला जाता है इनको, इनका मुख्यालय रेवाड़ी में है। उसके बाद वही साउथ पुलिस रेंज का मुख्यालय कहाँ है, अभी क्वेश्चन फिर बन गया रेवाड़ी में। हरियाणा में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कितने हैं, सबसे पुराना बना था भाई गुरुग्राम के अंदर। और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन क्या करता है, जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, ऑनलाइन जो जो धोखाधड़ी, चोरी या कुछ भी होता है गलत, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ही कर सकता है, सिंपल पुलिस स्टेशन कुछ नहीं कर सकता है उसका। साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो स्पेशल डिपार्टमेंट होता है, उससे रिलेटेड आईटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये हमारा। उसके बाद पंचकुला पुलिस स्टेशन है, फरीदाबाद भी है, गुरुग्राम सबसे पुराना है आपको पता चल गया है, अम्बाड़ा भी है, हिसार पुलिस स्टेशन, करनाल, रेवाड़ी, तो अभी बन भी रहे हैं और भी सात बन चुके हैं, अभी आगे देखते हैं, क्योंकि आज के टाइम में साइबर क्राइम की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, मतलब पुलिस स्टेशन की जरूरत है, क्राइम की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, सब कुछ हम ऑनलाइन इतनी आसानी से सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ गड़बड़ भी हो जाती है कई बार अनजाने में हमारे से। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कुछ, आजकल फ्री के चक्कर में बहुत सारे लिंक आते रहते हैं ऐसे ही, कि इसमें ये निकल गया, इसमें वो निकल गया है, तो उनसे बच के ही रहेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारी खबरें आती रहती हैं प्रतिदिन, किसी का कितने पैसे निकाल लिए, किसी के कितने, तो उन लिंक से बच के रहें, फ्री के चक्कर में ना फंसे। ठीक है, उसके बाद हरियाणा स्टेट क्राइम ब्यूरो कहाँ स्थित है और ये कब बना, तो मधुबन में वही करनाल में है ये, और ये बना था 1 अप्रैल 1987 में, क्राइम ब्यूरो यहाँ पे। ठीक है, मधुबन के बारे में कई क्वेश्चन बढ़ते हैं, वो ध्यान से पढ़ना आप। उसके बाद स्टेट क्राइम ब्रांच एससीबी के डीजीपी कौन है, मोहम्मद अकील आईपीएस हैं ये एससीबी के डीजीपी हैं भाई। ठीक है, स्टेट क्राइम ब्रांच के। उसके बाद पहला साइबर क्राइम पुलिस थाना भाई ये पीछे आया था गुरुग्राम में, खुला था 7 मार्च 2018 को डीएलएफ फेज सीआर के अंदर। दूसरा साइबर क्राइम पुलिस थाना भाई ये पता चल गया कौन सा थाना कब, पंचकुला में खुला। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में सब सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन भाई कितने हैं, 16 हैं, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। उसके बाद हरियाणा में कितने पुलिस रेलवे जिले हैं, 20। हरियाणा में कितने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है भाई, 23। गुरुग्राम में 2 हैं, अगर पूछ लिया जाए कौन से जिले में 2 पुलिस स्टेशन है तो गुरुग्राम के अंदर है, बाकी सभी में कितने हैं, एक एक, तो तभी तो 23 हो गए, वरना 22 होते, 22 जिले हैं। उसके बाद हरियाणा में कितने वुमेन पुलिस स्टेशन है, 34 है भाई। ठीक है, हरियाणा में कुल पुलिस स्टेशन कितने, 294, वुमेन कितने, 34, और कुल जो है, देखो आपने सुना होगा कई बार कितना आरक्षण है महिलाओं का, 33% आरक्षण है लगभग हर जगह, तो 33 के नजदीक 34 है, हमारी पुलिस स्टेशन में कितने बना दिए इन्होंने, 34 वुमेन पुलिस स्टेशन। हरियाणा में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं, 294, तो उनमें से 34 तो महिला के हो गए, और 260 कितने हो गए पुरुष के लिए। ठीक है भाई, उसके बाद महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, वैसे 112 अभी बना दिया गया कल, हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था सभी इमरजेंसी कॉलिंग के लिए। तो पहला पिंक वुमेन पुलिस स्टेशन भाई ये हमारा पंचकुला में बना था। गुलाबी महिला थाना कब बना है, 2017 में 18 अगस्त को, 18 अगस्त के महीने में एक महिला दिवस पे बहुत सारे काम किए गए। 8 मार्च को हमारा महिला दिवस मनाया जाता है, जिसके अंदर 8 मार्च में अब की बार हरियाणा में करंट अफेयर की जो वीडियो हमने कल डाली थी उसमें बहुत सारी जानकारी मिली थी, उसको जरूर पढ़े, उसमें वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद पहला महिला पुलिस थाना कब और कहाँ बना, पहला देखो वो तो पिंक वुमेन पुलिस स्टेशन था, ये बोल रहा है सिर्फ महिला पुलिस थाना, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, कहीं भी आप गड़बड़ कर दो इसमें, वो 17 में बना, ये 15 में बना, 15 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, मैंने कल भी बताया था आपको, रक्षाबंधन का त्योहार था 28 तारीख को, रक्षाबंधन के वाले दिन जो है ये बनाया गया था मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत 12 अप्रैल 2017 को हुई थी, यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड की तरफ से हुई थी भाई ये। ठीक है, मनचलों को सुधारने के लिए। हरियाणा में राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये तो पक्का कर लियो भाई, राष्ट्रीय पुलिस दिवस का तो हमें पता ना होना चाहिए। ठीक है, हरियाणा में जो राष्ट्रीय पुलिस दिवस है वो मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, अक्टूबर के महीने में। उसके बाद किस राज्य में सबसे ज्यादा पुलिस थाने हैं भाई, तो किस राज्य में पूछा है इसने, पूरे भारत के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा पुलिस थाने हैं।
उसके बाद हरियाणा में महिला पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को, 8 मार्च को महिला दिवस और 16 अगस्त को महिला पुलिस दिवस। ये भी पजल मत हो जाना, ठीक है? ध्यान से बिल्कुल, ये सेम से दिन है जो, इनको नोट कर लिया करो, कॉमन से जो है पॉइंट, कि जब भी आप पढ़ते हो तो नोट कर लो, वीडियो को रोक के वहीं पे। उसके बाद दुर्गा शक्ति ऐप कब लॉन्च की गई? इसे 12 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया। इस ऐप में एक अलर्ट का बटन दबाते ही पुलिस के पास आपकी लोकेशन पहुंच जाएगी। दुर्गा शक्ति ऐप की खासियत क्या थी? अलर्ट करने की। एक बटन दबाते ही लोकेशन चली जाएगी, और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये ऐप जो बनाई गई थी स्पेशल। दुर्गा शक्ति ऐप को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला भाई, IT उत्कृष्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया इसको, और मुंबई में ये आयोजन हुआ था। ये क्वेश्चन ही पहले आज का एग्जाम्स में, कई एग्जाम में आया, जिन्होंने दिया है उनको, उन्होंने पढ़ भी लिया होगा। उसके बाद 30 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच समिट, ये स्कॉच समिट जो है, ये अभी कोरोना के कारण शायद दिया गया था, स्कॉच समिट, स्कॉच गोल्ड के नाम से कुछ ऐसा था। तो 2019 में गवर्नमेंट, ये सॉरी, ये स्वास्थ्य केंद्र होता है भाई, वैसे तो स्वास्थ्य सेवाओं केंद्र होता है हमारा, स्कॉच समिट जो गवर्नेंस अवार्ड है, अभी कोरोना के कारण दिया गया है हरियाणा को शायद, अभी शायद लेटेस्ट जो फरवरी के और मार्च से करंट अफेयर पड़ा था, उसमें उसमें आया था हमारे पास क्वेश्चन, उसको भी देखें वीडियो को एक बार जाके। 698 पदों के साथ पहली बार दुर्गा महिला बटालियन की भर्ती भी निकाली गई थी, 698 पदों के साथ। आप पूछा जा सकता है आपसे, पहली जो बार जो दुर्गा महिला बटालियन भर्ती निकाली गई फर्स्ट टाइम, वो कितने पद थे उसमें? 698 थे, ठीक है, 698। उसके बाद हरियाणा का PTC यानी कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है भाई? सुनारिया रोहतक में। ये बना था कब? 22 दिसंबर 2009 में शुरू हुआ था सबसे पहला था ये, इसके बाद और भी कई बन चुके हैं अभी, ठीक है। सॉरी भाई, ये तो था पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, और अब आ गया है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। कॉलेज में पढ़ाई करवाई जाएगी और सेंटर में ट्रेनिंग दी जाएगी, ये पहचान भी याद रखना आप। तो ये मधुबनी में बनाया गया था पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, 14 मई 1973 को बना था। देखो मधुबन का क्वेश्चन आ गया एक और, ठीक है। और रोहतक में सुनारिया में जेल भी है एक बहुत बड़ी, और वो सेंट्रल जेल भी है, ठीक है। चार हमारे हरियाणा में सेंट्रल जेल आती हैं। तो हरियाणा में कुल कितने PTC हैं भाई? तो हरियाणा में कुल जो चार PTC हैं, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो मधुबन में जो 1973 में बना था पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था, हिसार में 26 जनवरी 2018 को बना पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था। उसके बाद तीसरा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सुनारिया रोहतक में है, और चौथा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चौधरी देवीलाल पुलिस प्रशिक्षण बोर्डसी गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम, रोहतक, हिसार और मधुबनी यानी करनाल में, ये ध्यान रखना है आपने, चार हैं। उसके बाद पुलिस, सॉरी, पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ और कब बना? मधुबन में 9 जनवरी 1976 को। ये पीछे क्या आया था अभी मधुबन के अंदर? 1973 में क्या बना था? पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। और ये क्या है? ट्रेनिंग स्कूल, ये ध्यान रखना, वो सेंटर है, ये स्कूल है, ठीक है। स्कूल के अंदर आपको स्कूल या कॉलेज तो पढ़ाई करवाई जाएगी, और यानी कि नियमों से संबंधित जो बातें सिखाई जाती हैं, और इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग सेंटर होगा वहां ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर टेस्ट क्लियर होता है आपका तो जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी मधुबन में मिलेगी। उसके बाद मधुबन में 9 जनवरी 1976 को बना है ये, वो 73 को बना था ट्रेनिंग सेंटर। हरियाणा का एकमात्र पुलिस संग्रहालय जो है वो भी मधुबन में है, हरियाणा आर्म्ड पुलिस HAP था, यानी कि हरियाणा पुलिस बटालियन या हरियाणा सशस्त्र पुलिस का मुख्यालय भाई मधुबन में ही है। उसके बाद हरियाणा पुलिस बटालियन या हरियाणा सशस्त्र पुलिस की कितनी बटालियन है? तो 5 है भाई, 3 बटालियन मधुबन में है, एक अंबाला में है और एक हिसार में है। ये भी क्वेश्चन हमने थ्योरी में कल पढ़ा था। एक पहली हरियाणा पुलिस बटालियन जो है अंबाला 1 नवंबर 1966 बनी, अप्रैल 1979 में स्थायी किया गया इसको। आपसे पूछ लिया जाए, पहली हरियाणा पुलिस बटालियन अंबाला में 1 नवंबर 1966 को बनी थी, ठीक है। पहली यानी कि जो हरियाणा की स्थापना हुई तो उसी टाइम बनी थी ये, और दूसरी बनी हरियाणा पुलिस बटालियन मधुबन के लिए 1966 में ही बनी थी। डेट का फिक्स पता नहीं इसका भी, अगर आपको नेट पे मिल जाए तो जरूर देख लो एक बार। तो अंबाला में पहली बनी थी, दूसरी बनी थी मधुबन के अंदर। मधुबन में सबसे ज्यादा चीजें जुड़ी हुई है हमारी हरी पुलिस से, ये आप याद रखें बात, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है आपके लिए। तीसरी हरियाणा पुलिस बटालियन हिसार में 17 दिसंबर 1669 में बनी। उसके बाद हरियाणा में इस समय कितने पुलिस जिले हैं? 24 हैं, तो 22 तो मतलब टोटल जिले हैं हमारे, लेकिन जिले के अंदर दो दो भी हैं पुलिस स्टेशन, तो उसके अकॉर्डिंग ये 24 हो गए हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कितने पुलिस जिले थे? 6 थे सिर्फ। कितने थे? 6। जब हरियाणा बना तो कितने पुलिस जिले थे? सिर्फ 6 थे, अब हो गए 24।
हांसी पुलिस जिला कब बना भाई? 12 नवंबर 2016 को ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। किस एग्जाम में आया था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, मैंने पढ़ा था। 12 नवंबर 2016 को हांसी का पुलिस जिला बना था भाई। मानेसर 24वां पुलिस जिला बना है, ठीक है, 2 फरवरी 2018 को। यानी कि ये दो हैं गुरुग्राम के अंदर, हांसी हिसार जिले में आता है और मानेसर गुरुग्राम जिले में आता है, तो ये दो दो हो गए यहाँ पे। उसके बाद हरियाणा पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 है, अभी बना है, लेटेस्ट चेंज हुआ है इसके अंदर, जिसमें सारी इमरजेंसी सेवाएं आपको मिलेंगी, यानी कि हर प्रकार की हेल्प मिलेगी आपको। हरियाणा पुलिस सिटीजन पोर्टल का नाम क्या है? हर समय पोर्टल है भाई, हरियाणा हर समय, हरी हरी हर से, ठीक है ना, पहचान याद रखना थोड़ी सी। जिसमें आपको ऑनलाइन पोर्टल पर आपने अगर पीसीसी कभी बनवाई हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो यहीं पे बनता है वो। और भी कई सर्टिफिकेट हैं जो इस पे रजिस्टर्ड कराने पड़ते हैं। उसके बाद जीरो टॉलरेंस पुलिस का संबंध किससे है? भ्रष्टाचार अपराधों को रोकने से है। हरियाणा में स्मार्ट पुलिस स्टेशन कितने हैं भाई? 3 हैं, फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम। और गुरुग्राम में सबसे पहले बना था शायद, ठीक है, ये आप क्वेश्चन ध्यान रखना, पीछे आया था ये, पिछली इसमें ही बताया था मैंने, कंफर्म कर लेना एक बार आप। उसके बाद पुलिस मित्र कक्ष कब शुरू किया गया? 27 नवंबर 2017 को करनाल में भाई, ये मैंने देखा है करनाल में, ठीक है, क्योंकि करनाल मेरा डिस्ट्रिक्ट है तो वहां मैंने देखा है इसको, पुलिस मित्र कक्ष। और कहीं जगह 1 नंबर भी लिख रहा है, लेकिन 27 नंबर 1 नंबर डाउट है ये, इसको कंफर्म कर लेना आप, मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र 1979 में अस्तित्व में आया था भाई, और ये कहाँ था? शायद गुरुग्राम में था, ये कल हमने जो पार्ट किया था उसमें था, उसको आप दोबारा देखें एक बार, कंफर्म कर लेना। उसके बाद हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन 29 दिसंबर 1979 में स्थापना हुई है इसकी, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन 29 दिसंबर 1979 में। उसके बाद हरियाणा राज्य की जेलों की संख्या भाई 16 है। सेंट्रल जेल हमारी यहाँ 3 है, अम्बाड़ा में, हिसार में 2 हैं। तो शायद ये मैंने बात बताई थी आपको, सुनारिया भी हो, इसमें डाउट है मुझे यहाँ पर। हरियाणा में कुल जेल की संख्या 19 है, तो 16 जो है राज्य की होगी, 3 सेंट्रल जेल हो गई। उसके बाद अटल सेवा केंद्र शुरू करने वाली जेल कौन सी है? जिंद की जेल है भाई, अटल सेवा केंद्र। उसके बाद कोरोना मरीज की देखरेख करते हुए पुलिसकर्मी की जो उसको मुआवजा मिलता है 30 लाख में मिलता है। उसके बाद वर्तमान में हरियाणा पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत? 10%। और वैसे जो हरियाणा हरियाणा के अंदर जो भी मंडियों के अंदर जो महिला किसान है उनके लिए जो आरक्षण किया गया है वो 34% किया गया है शायद। कल हमने करंट अफेयर में ये बात पढ़ी थी, हरियाणा पुलिस के द्वारा शुरू किए गए अभियान में जो लॉकडाउन से संबंधित COVID-19 के बारे में जागरूकता फैलाने से संबंधित है भाई, मन में लॉकडाउन अभियान, मन में ये सॉरी नाम का है अभियान, मन में ये कुछ है अभियान है भाई मन में। तो ये जो है COVID-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चला गया था। उसके बाद हर घर लक्ष्मी, तो लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई मतलब दिवाली के ऊपर ही था ये अवसर कुछ ऐसा, जहां पर महिलाओं को महिला सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया था 2020 में, ये उनको जागरूक करने के लिए चलाया गया था। उसके बाद सोशल मीडिया पहल, इसमें हरियाणा पुलिस सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आएगी आपको ये इसके अंतर्गत। उसके बाद ई चालान शुरू करने वाला पहला शहर जो है गुरुग्राम बना है, और पहली बार सीसीटीवी से चालान काटने वाला शहर यमुनानगर बना भाई। चालान यमुनानगर ने काटा और गुरुग्राम ने सॉरी सीसीटीवी से चालान तो काटा यमुनानगर ने, और ई चालान मतलब ऑनलाइन चालान, यानी कि आपने देखा हो कई बार भाई बाइक पे या कार में आप जब भी जाते हो कहीं पे, तो पुलिस वालों के हाथ में एक मशीन होती है और वो उसी से चालान काट देते हैं ऑनलाइन। पहले तो ऑफलाइन फॉर्म होता था, उसमें भर के देते थे, वो आरसी ले लेते थे और तहसील में जाकर सॉरी कोर्ट में जाकर भुगतना पड़ता था, लेकिन अब वो ऑनलाइन मशीन होती है उनके पास, साथ के साथ चालान कट जाता है ऑनलाइन पेमेंट से। उसके बाद हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी बनाई गई है प्रशासन के अंदर सुधार करने के लिए। हरियाणा पुलिस के द्वारा उपस्थिति दिवस कब मनाया जाता है? हर महीने मनाया जाओ भाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा जो दिवस है जो हर महीने मनाती है हरियाणा पुलिस, तो ये है हमारा हरियाणा पुलिस के द्वारा उपस्थिति दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हर महीने। पानीपत जेल में पहले जेल रेडियो की शुरुआत की गई है, सबसे पहले कब की गई है? पानीपत जेल के अंदर, किसकी? जेल रेडियो की। उसके बाद फिर दोबारा फुल फॉर्म आ गई भाई, ये रिपीटेड है, डीजीपी की फुल फॉर्म आप पढ़ लेना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं अभी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और डीजीपी का जो प्रतीक है भाई नेशनल एम्बलम है ये, अशोक स्तंभ के साथ क्रोस तलवार और डंडा होती है। स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SDGP दोबारा आ गई है भाई, ये ध्यान रखें, पुलिस विशेष, पुलिस महानिदेशक। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में ADGP आ गया है। उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में IG की जो है पुलिस
मानरिक्षिक होता है, डीसी डीआईजी की डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, उसके बाद एसएसपी की सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, रिपीट हो रही है ये, ठीक है, फुल फॉर्म बार बार, तो इनको अच्छी तरह से कर लें, जरूर आएगा इनमें से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आने हैं आपके, घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर देगा आपको, लेकिन ये नॉलेज आपके काम जरूर आएगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको पता होगा उसके बारे में जानकारी होगी। उसके बाद सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस एसपी को बोल देते हैं हम, आईपीएस के अधिकारी होते हैं, उसके बाद एएसपी एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये भी जो है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बोलते हैं इनको हम, इंग्लिश हिंदी दोनों पे पुराने हैं, इंग्लिश में पढ़ना कई बार आसान होता है, कुछ वर्ड जो है कुछ शब्द हिंदी में मुश्किल लगते हैं हमें। उसका डीएसपी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पीआई जो है पुलिस इंस्पेक्टर होता है, एसआई सब इंस्पेक्टर होता है, और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये वैसे पद के अनुसार है, सब इंस्पेक्टर के नीचे होता है एएसआई, और एएसआई के नीचे एचसी होता है हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल के नीचे होता है सीनियर कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल के अंदर पुलिस कांस्टेबल, और उसके बाद कमिश्नर ऑफ पुलिस आ जाता है, ये तो बड़ा होता है भाई, कि इसको भी इसके नीचे सोचो आप। उसके बाद जॉइंट सीपी, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गया, डीसीपी हो गया, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भाई। तो हरियाणा पुलिस के बारे में हमने जो है डिस्कस कर लिया है सारा, ठीक है, लास्ट हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हरियाणा पुलिस रिलेटेड, और जो हमारे अभी मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा आपको, ये दो वीडियो में आपने कंप्लीट पढ़ लिया है, इन्हीं से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे आपको जल्दी ही, आज शाम तक कोशिश करूंगा, नहीं तो कल तो सुबह पक्का आएगा। अब लगातार आपके एग्जाम तक डेली हम ऐसे ही क्लास लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो आएंगी डेली की डेली वीडियो, आप अगर देखोगे तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, शुरू में हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन निकाल लेंगे जैसे अभी कर रहे हैं, तो ध्यान से जरूर पढ़ें, यही आशा करता हूँ कि आप इस पूरी वीडियो को आपने देखा है और आपको क्लियर हुई जो हमने आज टॉपिक किया है हरियाणा पुलिस से संबंधित सारे क्वेश्चन। तो अभी हम क्लास को ओवर कर रहे हैं, ये वीडियो आपको जल्दी ही श्री कृष्णा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और टीचमेंट ऐप पर भी रिकॉर्डेड हुई मिलेगी आपको, तो तैयारी में लग जाएं, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, जिनका एग्जाम 7-8 तारीख को उनके लिए भी, और जिनका एग्जाम आगे फीमेल कैंडिडेट्स का होगा उनके लिए भी, तैयारी करें, मन लगाकर पढ़ें,